हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर एके अनबॉक्सर और मेरा नाम है अमन कुमार। सो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ 3 वीक ऑफ रिव्यू ऑक्सीमीटर, जिसको मैंने 3 हफ्ते पहले ख़रीदा था और आज मैं बताने वाला हूँ कि इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं। वैसे तो आप जानते हैं इस समय कोरोना का कितना कहर रहा है 2020 और 2021 में, तो ये जो ऑक्सीमीटर है ये सभी घर में होना चाहिए। जैसे कि आपके मम्मी पापा दादा दी उन लोग का ऑक्सीजन लेवल आप हर दिन जब चाहे तो आप नाप सकते हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कितना ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहता है और कितना आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सो सब कुछ बताऊंगा इसमें। सो चलिए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बॉक्स था इसका, तो चलिए मैं इसको निकालता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी का है जो कि मैंने ऑनलाइन लिया था लगभग 2000 का, और इसमें 2 बेडशीट्स लगती हैं जो कि साथ में ही आती हैं। सो गाइस, मैंने इसका फुल्ली अनबॉक्सिंग वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इनका अनबॉक्सिंग वीडियो देखना, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन से लिंक में चेक कर सकते हैं और इसका फुल्ली अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इसको लेना भी चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों का, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ कि किस तरह का ये है। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं ऊपर का कुछ इस तरह से है, और इसे चालू करने के लिए आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये चालू हो चुका है। तो इधर आपको अपना फिंगर लगाना पड़ेगा, इधर जो रेड कलर का सेंसर दिख रहा है इसमें आप कुछ इस तरह से फिंगरप्रिंट अपना डालिए कुछ इस तरह से, और उसके बाद ये देखिए रीडिंग लेना चालू कर चुका है। तो आपको जैसे प्रेस करना है, तो आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन लेवल 98 और हार्ट बीट लेवल 105 दिखा रहा है। तो देख सकते हैं ये आपका ऑक्सीजन लेवल है और ये हार्ट बीट लेवल है। तो कुछ इस तरह से काम करता है। फिर उसके बाद आप अपना उंगली ऐसे निकाल दीजिए, फिर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सो अभी देखिए ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, इसको आपको कहीं भी बटन नहीं प्रेस करना पड़ेगा बंद करने के लिए। तो ये देखिए अभी बंद हो जाएगा, देख सकते हैं अभी बंद हो चुका है। और अगर आपको दोबारा नापना है तो कुछ इस तरह से डालिए, फिर ऐसे उंगली डाल के दोबारा नाप सकते हैं। इसमें और भी सेटिंग, अलार्म सेटिंग, सब कुछ सेटिंग दिया हुआ है, देख सकते हैं आप कुछ सेटिंग दी हुई है जो कि आप और वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें देख सकते हैं अलग अलग तरह की सेटिंग दी हुई है। सो इसमें अलार्म सिस्टम है, जैसे कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 90 से नीचे है तो इसमें अलार्म बजने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो अभी मैं बताता हूँ कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए तो नॉर्मल है और कितना आपके लिए मतलब नुकसानदायक हो सकता है। सो जनरली 94 से 100 तक अगर आपका ऑक्सीजन लेवल दिखाता है तो नॉर्मल होता है, और अगर 94 से 90 के बीच में है तो 60 ईयर्स ओल्ड पर्सन के लिए नॉर्मल होता है। अगर किसी का भी ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाता है तो उसको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा ऑक्सीमीटर है जो कि बजट में आता है और एकदम ब्रांडेड है, एक्यूरेट मेजरिंग बताता है ऑक्सीजन लेवल का। तो अगर आपको ये लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं, बहुत ब्रांडेड है। वैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऑक्सीमीटर आते हैं डॉक्टर ट्रस्ट बहुत सारे और कंपनीज के, लेकिन इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है और ये काफ़ी किफ़ायती दाम में भी मिल रहा है। पहले इसका प्राइस था 4,500 रुपीज़, लेकिन अभी 2,000 रुपीज़ में भी मिल रहा है, और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं और इसको मंगवा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस समय हर घर में ये होना चाहिए, क्योंकि ये किसी का जान भी बचा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।